ओम शांति। आप सबको स्वागत है 16 जुलाई के ईश्वर वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हमारा एक बैलेंस बने, वो भी हमारे कर्मों में और हमारा परमात्मा से कनेक्शन, जिसको कहते हैं योग। तो देखें परमात्मा पिता कहते क्या हैं आज के वरदान में। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भवा। निर्णय शक्ति कब बढ़ सकती है? जब हमारा कर्म हो लेकिन वो परमात्मा की याद में हो, परमात्मा से कनेक्शन में हो, और परमपिता परमात्मा से हम पूछ पूछ के हर कदम लें, तब जा करके हम निश्चिंत हो जाएंगे। देखें परमात्मा कहते क्या हैं, सदा निश्चिंत वही रह सकते हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है। ऐसे नहीं कि आप इतना ज़्यादा एंगेज हो गए कर्मों में कि आप परमात्मा से बातें करना ही भूल गए, कनेक्शन जोड़ना ही भूल गए, और आप बहते चले गए, और पता चला कि आप जो कर्म कर रहे थे उसमें आप फंसते चले गए, और आपने जो निर्णय लिए वो ठीक नहीं लिए। फिर बाबा कहते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं, सर्कमस्टेंस और टाइट होने हैं, समस्याएं और सर्कमस्टेंसेस, चाहे वो आपके दैहिक हों, चाहे वो आपके धन संपत्ति से रिलेटेड हों, चाहे संबंधों से रिलेटेड हों, चाहे मानसिकता से रिलेटेड हों, चाहे भावनाओं से रिलेटेड हों, परमात्मा कह रहे हैं कि सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस बहुत टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो, अगर कर्म और मेडिटेशन, योग का या याद का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे वो सिचुएशन को, वो सर्कमस्टेंसेस को। बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होती होगी, उससे कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे कि परमात्मा के साथ में जो कनेक्शन से हमें जो ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं, उस कारण से हमारे मन में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, ये क्वेश्चन नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा से कनेक्टेड हैं, हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनसे। सदैव ये निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, चाहे दिखते वो अकल्याण दिखाई दे लेकिन है एक्चुअली कल्याण, बाद में जाके पता चलता है। लेकिन उसके लिए धैर्यता, नम्रता, पेशेंस, टॉलरेंस, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि आपको मेडिटेशन से आती है और ज्ञान के द्वारा आती है, जो कि आप 7 डेज में सीखते हैं। इसके साथ ओम शांति।